नमस्कार, मैं अनुराधा शुक्ला स्वागत करती हूं आपका हिंदुस्तान न्यूज 24 में। देखते रहिए मेरे साथ आज की अब तक की खास सुर्खियां। लखीमपुर खीरी के तहसील मोहब्बती खीरी में पत्रकार हितों में धरने पर बैठे ऑल इंडिया प्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जोनल कोऑर्डिनेटर अनुराग सारथी ने धरने के दौरान की एक खास वार्ता। अनुराग सारथी ने कहा कि जब तक बीडीओ पशगवा को तत्काल प्रभाव से हटाया नहीं जाएगा, तब तक पत्रकार हितों के लिए धरना यूं ही चलता रहेगा। काफी देर धूप में पत्रकार साथियों के साथ बैठे अनुराग सारथी की हालत बिगड़ गई। उसके बाद उप जिलाधिकारी स्वाति शुक्ला मौके पर पहुंची, लेकिन कोई सार्थक वार्तालाप न होने की वजह से धरने को NH24 मैगलगंज पर शिफ्ट किया गया। आखिरकार पत्रकार आंदोलन के आगे अधिकारियों को पड़ा झुकना। मौके पर पहुंचे CDO खीरी, साथी एडिशनल SP खीरी, उप जिलाधिकारी मितौली, पुलिस उपाधीक्षक मितौली व मोहम्मदी। पत्रकारों से बातचीत में CDO खीरी ने दिया उचित कार्रवाई करने का आश्वासन। सर, एक मिनट, सारे लोग खड़े, उनको ऑफिस में अटैच कर रहे हैं। हम अपने यहाँ जैसे हम DM क्या, हमको परमानेंटली हमने जिलाधिकारी महोदय के आदेश पर ही ये करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण ये है हमारे पत्रकारों के अंदर पशगवा चार्ज देखेंगे। अरे क्या बात करते हैं सर जी, कहा जाने बहुत मुख्यमंत्री से बात करी, रिश्तेदार है, ये नहीं हो पाएगा भाई। हम तो आपके सामने खड़े हैं जी सर, हमने तो कभी ये नहीं कहा हम कहाँ से आए जी सर। लेकिन आए तो आप जैसा पोलिटिकल और जो इतना बड़ा अधिकारी इस तरीके से बात करता है, वीडियो कॉल ऐसी बात कर रहे हो, तो ये स्थिति नहीं। यार मैं मुखिया आए हम सर, वो ठीक है वो ठीक है, लेकिन यहाँ भी एक मिनट, यहाँ भी छाला झेले गए दिन भर, उसका रिजल्ट क्या? ये छाला अब रिजल्ट क्या है ये समय बताएगा। यही छाला मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सी पब्लिक नहीं है, आपने संघर्ष किया है और संघर्ष का परिणाम कभी भी वो नहीं होता। आप हम पर विश्वास रखिए, हमको कार्रवाई आगे बढ़ाने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप ऑफिस अटैच कर रहे हैं सर, उसकी लिखित दे दीजिए। नहीं सर, लिखित भी करा दीजिए, पत्र लिखित करा दीजिए, सम्मान हो जाए बहुत। आप बता दीजिए दूसरी बात, अगली रणनीति। मैंने आज वोट काम किया है, सुन लीजिए सर, वोट काम किया मैंने मजबूरी पसुआ बीडीओ के अभिषेता के कारण वोट काम किया। थोड़ा भैया पीछे रहो, दूसरा खबर मिल रही है हम लोगों कार्यकर्ताओं को, सैकड़ों लोगों को नंबर लिखा गया है, वो अगर मुकदमा नहीं वापस होगा मुझे फिर वही स्थिति पर आना पड़ेगा। इसलिए इस मुकदमे को भी खत्म करने का काम, क्योंकि आप जिले के वरिष्ठ अधिकारी हैं, घोषणा कर दीजिए तो हम लोगों का हौसला बढ़ेगा। मैं आपके साथ हूँ, सबसे पहले एक चीज बताइए, घोषणा करने के बाद देखिए एक चीज और बताएं सभी लोग, ये तो हमारी ड्यूटी है, हमारी नौकरी ही यही है। देखो हम आपको कल कोई और संगठन होगा, जरूरी नहीं है कि आप किसी व्यक्ति का काम तुरंत कर सकने की स्थिति में हो। संभव है कि आप उसके प्रत्यावेदन को लेंगे, उसकी बात को पेशेंटली ठहर से सुनेंगे, वो आपकी सम्मान का एक हकदार भी है। ऐसा नहीं कि सम्मान लेना कोई हम एहसान कर रहे हो। अभी मुझे भी जनपद को समझने में 7 महीने से मैं इस जनपद में आया हूं। जाहिर सी बात है, आप भी कहीं नहीं नई जगह जाओगे तो वहां की भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक आप हताश ना हो, हर चीज प्रोसेस से होता है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को कोई तकलीफ भी ना हो। जिले से PD साहब और DDO साहब आए हुए हैं दोनों ही। ट्रांसफर लेटर ले आइए, हम लोग जाम तुरंत खोल रहे हैं। मेरी बात सुनिए, देखिए DM साहब से मेरी इसमें बहुत लंबी वार्ता हुई, हमने पूरी आपका पक्ष रखा, बहुत दमदारी से रखा। तो DM साहब ने हमने कहा सर पूरा मैसेज है, सारी चीजें हैं, आप चाहें तो उसको देख लें, हम व्हाट्सएप पे आपको भिजवा देंगे लेकर। तो DM साहब अधिकारियों से मेरी वार्तालाप हुई है, वो सारे लोग कह रहे थे टेबल टॉक कर लो। अब ये बताइए ऐसे पार्टी और पूरे पत्रकार समाज के लोग इतने लोग बैठे हैं, 22 तारीख को हम लोग DM साहब को अल्टीमेटम दिए थे कि 28 तारीख तक BDO साहब को हटा दीजिएगा।
लेकिन 28 यानी अच्छा खासा समय दिया था हमने, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन ने प्रशासन की हिंद नहीं मानी। हम लोग जब 29 तारीख की रात में लगातार प्रशासन संपर्क में था कि अब 2 दिन का मौका दे दीजिए, क्यों नहीं काट कर लीजिए। तो मैंने कहा अकेले का समय अकेले का होना चाहिए, सत्य बेटा की बात खत्म होगी। दूसरा, जब आज एक्शन पार्टी सारे कार्यकर्ता बैठे हैं तो हमें मैनेज करने के लिए यह कहा जा रहा है कि वीडियो साहब आज हाईकोर्ट गए हैं, वीडियो साहब जब लौटे हैं तो वीडियो साहब पत्रकार पर कर दिया जाएगा। तो अभी हमारे पत्रकार साथियों ने कहा है, पता लगाया है कि वीडियो साहब आज गर्जन कार्यक्रम में मानवा अधिकारी को भी हमारे उसके साथ बैठक है। सीधे झूठ बोल रहे हैं और ऐसे झूठे और फरेबी अधिकारी के विषय में हमको इसका वो नहीं मानते हैं, क्योंकि आज पत्रकार देश का चौथा स्तंभ को मजबूरन धरने पर आना पड़ा है। और मुझे तो ये दर्द है कि सीडीओ साहब को ऐसी क्या पड़ी, कौन सा लालच है जो वीडियो पत्रों को भूल दिए करते हैं। रणनीति देखो, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ये साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करती है। चौथा स्तंभ है, हम लोग साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करना जानते हैं। हम लोग तो पहले है,